हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट है। मेरे प्यारे साथियों, आज 29 दिसंबर 2018 वार शनिवार, यह करंट अफेयर्स आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते तो उसके लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशन जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड 4500 करोड़ रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू भूटान फॉर इट्स 12th 5-year प्लान आफ्टर होल्डिंग वाइड रैंकिंग टॉक्स विद द भूटान्स काउंटरपार्ट लॉटरी थिनसिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष लोटे तसरिंग के साथ व्यापक वार्ता करने के बाद भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान को 4500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। नेक्स्ट, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड 26th एडिशन ऑफ नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस इन भुवनेश्वर, इन विच एज मैनी एज 800 स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 एशियन एंड 7 गल्फ कंट्रीज एंड आर पार्टिसिपेटिंग। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें 10 एशियाई और 7 खाड़ी देशों के 800 छात्र भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्थी नेशन। नेक्स्ट, केजे अल्फोंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी फॉर टूरिज्म हैंडेड ओवर ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग एमओयू अंडर द अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम टू रिबर्ड टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप फॉर 5 आइकोनिक साइट्स। केजे अल्फोंस जो कि पर्यटन राज्य मंत्री है, ने रैसबर्ड टेक्नोलॉजीज को 5 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए एक मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप के विकास के लिए धरोहर योजना अडॉप्ट ए हेरिटेज के तहत एक समझौता ज्ञापन सौंपा है। नेक्स्ट, SPGIMR hosted the 12th annual Indian Subcontinent Decision Science Institute ISDSI conference at SPGIMR Mumbai. The theme of this international conference is data driven decision making in the digital age. SPGIMR ने मुंबई के SPGIMR में 12वें वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान ISDSI सम्मेलन की मेजबानी की है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इन द डिजिटल एज। नेक्स्ट, द 41st मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इन द मीटिंग द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनोदर 310,597 मोर अफोर्डेबल हाउसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्बन पुअर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। नई दिल्ली में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 41वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी गरीब लोगों की भलाई के लिए 3,10,597 अन्य किफ़ायती मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज लॉन्च्ड द भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस ने ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। तुर्कमेनिस्तान हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मैसेंजिंग ऐप बिज ब्रेड। द प्राइवेटली डेवलप्ड ब्रिज ब्रेड ऐप विल अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैसेज फाइल्स फोटोज एंड वीडियोज, द स्टेट यासलाक टेलीविजन स्टेशन अनाउंस्ड। तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला मैसेजिंग ऐप बिज ब्रेड लॉन्च किया है। राज्य यासलिक टेलीविजन स्टेशन की घोषणा के अनुसार निजी रूप से विकसित बिज ब्रेड ऐप संदेशों, फाइलों, फोटो और वीडियो के आदान प्रदान की अनुमति देता है। नेक्स्ट, नेपाल इम्पोर्ट ए मंथली लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसी इट्स सिटीजन्स कैन स्पेंड इन इंडिया। ए स्पोक पर्सन ऑफ द नेपाल राष्ट्रीय बैंक NRB स्टेट दैट ए नेपाली सिटीजन वुड बी अनेबल टू स्पेंड मोर देन 1 लाख INR पर मंथ वाइल पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। नेपाल ने भारतीय मुद्रा की मात्रा पर एक मासिक सीमा लगाई है जो कि उसका नागरिक भारत में खर्च कर सकता है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक NRB के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एक नेपाली नागरिक भारत में वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान करते समय प्रति माह 1 लाख भारतीय रुपया से अधिक खर्च करने में असमर्थ होगा। आइए बात करते अवार्ड्स पुरस्कार की। और द मैसेज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पैगनेंट 2008 फिनाले वाज हेल्ड इन दिल्ली एंड दिव्या पाटीदार जोशी वाज क्राउन्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनर। मैसेज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पैजेंट 2018 का समापन दिल्ली में हुआ और दिव्या पाटीदार जोशी को प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी करंट अफेयर्स हैं और सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और रन अकेडमी पर फॉलो करें। फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।